हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड यू आर वाचिंग विद्यास्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स का सेकंड पार्ट। तो बिना टाइम गवाए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज का डेफिनेशन, रिसोर्सेज की वैल्यू, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और उन टाइप्स के भी हमने सब टाइप्स पढ़े थे रिसोर्सेज। ठीक, हमने रिसोर्सेज की डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी चीज़, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरी करती हो या हमारे यूज़ आती हो, हमारे काम आती हो, तो हम क्या बोलते हैं, उसे रिसोर्स बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा रिसोर्सेज की बहुत वैल्यू है। रिसोर्स तो क्या करते हैं, हमारे लिए साइंटिफिक इन्वेंशन का काम करते हैं, है ना। हम बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन रिसोर्स की मदद से किए हैं। हम अपने हेल्थ को अच्छा बनाए रखते हैं किसकी मदद से, रिसोर्स की मदद से। हम बहुत सारी अपनी ज़रूरतें किसकी मदद से करते हैं, रिसोर्स की मदद से। तो हमें ये पता चला कि रिसोर्स बहुत ही यूज़फुल है। हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, हमें ये भी पता चला। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, हम रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हमने कल पढ़ा और उसके बाद फिर हमने आगे और देखा कि रिसोर्सेज के टाइप्स हैं। हमने रिसोर्सेज के टाइप्स में देखा, रिसोर्सेज मेनली थ्री टाइप्स में डिवाइड हैं। कौन से थ्री टाइप्स, नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा मैन मेड रिसोर्सेज, इस मैन मेड रिसोर्सेज का एक और नाम था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और तीसरा जो हमने पढ़ा वो क्या था, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है। ठीक, तो ये तीन तरह के रिसोर्सेज हमने पढ़े। उसके बाद हमने फिर नेचुरल रिसोर्सेज के जो सब टाइप्स हैं उनको पढ़ा। हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग बेसिस पे अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। क्या पढ़ा था हमने, कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ यूज दो टाइप में डिवाइड है। कौन से दो टाइप में, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स किसे कहते हैं, वो रिसोर्स जो हम जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ जो रिसोर्स तो है और इसको हम अभी यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल रिसोर्स। और पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या, कोई ऐसी चीज़ जो रिसोर्स तो है लेकिन हम उसको आज इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी आप जो नॉलेज ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आपको आज ही जॉब नहीं मिलेगी। कब जॉब मिलेगी, फ्यूचर में, जो आप ढेर सारी पढ़ाई कर लोगे, अच्छे से ग्रेजुएट हो जाओगे तो आपको जॉब मिलेगी। यानी आपका पढ़ाई आज का वेस्ट नहीं है। जब आप पेपर में लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, जब आप जॉब करने जाओगे तब आपको ये काम आएगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी इसका इस्तेमाल आप फ्यूचर में करोगे, रिसोर्स अभी भी है पर इस्तेमाल फ्यूचर में करोगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्स दो टाइप का होता है। कौन सा दो टाइप, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग रिसोर्स और अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग रिसोर्स। ऐसा कोई रिसोर्स जिसके अंदर जान है, जो लिविंग है, उसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स। ऐसा कोई रिसोर्स जो कि जिसके अंदर जान नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्स। पेड़ पौधे लिविंग है, बायोटिक रिसोर्स हैं। फिर रिवर, वाटर, सैंड, स्टोन, ये सब भी नेचुरल रिसोर्स है लेकिन इनके अंदर कोई लाइफ नहीं है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अबायोटिक रिसोर्स। इसके बाद स्टॉक के बेस पे रिसोर्सेज के दो टाइप हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। कौन से दो टाइप है इसमें भी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो ऐसा रिसोर्स जिसको आप बार बार इस्तेमाल करो फिर भी वो रिसोर्स खत्म नहीं होता, फिर से बन जाता है, उसको बोलते हैं रीन्यूएबल। रीन्यूएबल फिर से बन जाने वाला, है ना, नाम में ही है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स। और जस्ट इसके उल्टा, जो फिर से बना वो रिन्यूएबल, जो नहीं फिर से बन पाता यूज करने के, उसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो इस तरह के हो गए रिसोर्सेज के टाइप। तो एक और टाइप है रिसोर्सेज का, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दो टाइप थे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। कौन से दो टाइप, यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। ठीक है, तो ऐसा रिसोर्स जो कहाँ मिलेगा, हर जगह पर पाया जाएगा, द रिसोर्स विच इज फाउंड एवरीवेयर इज नोन एज यूबिक्यूटस रिसोर्स। और लोकलाइज रिसोर्स क्या, वो रिसोर्स जो सब जगह नहीं मिलेगा, वो रिसोर्स जो सिर्फ कुछ ही जगह पर मिलता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज रिसोर्स। तो ये हो गया हमारे रिसोर्सेज के टाइप्स, नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड या मैन मेड रिसोर्स। अब मैन मेड रिसोर्स हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसको ह्यूमन अपनी प्रोसेस से, अपने पावर से, अपने वर्क से क्या करता है, रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने क्या किया, जमीन से मिनरल निकाला, उसको प्योरीफाई किया, उससे मेटल बना लिया, तो हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स। बट वो क्या हो गया, मैन मेड रिसोर्स, है ना। नेचुरल तो है बट मैन मेड भी तो है ना, उसको हमने बनाया है। ठीक,
और इसके बाद फिर जो दूसरा तीसरा रिसोर्स का टाइप है वो ह्यूमन खुद है, ह्यूमन रिसोर्स, यानी दूसरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाला जो रिसोर्स है वो कौन है, ह्यूमन है। इसलिए ह्यूमन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो ये हमने रिसोर्सेज के टाइप पढ़े। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में HRD भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन एक रिसोर्स है और उस रिसोर्स को डेवलप कराना है, ठीक है। तो हम कैसे क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं दो पीपल का। एक ऐसा पर्सन है जिसने 10th तक कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं किया और 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दिया, और एक उसी के साथ का फ्रेंड था, दो दोस्त हैं आपस में, एक साथ बड़े हो रहे हैं, एक 10th के आगे भी पढ़ा, 12th तक पढ़ा, कॉलेज गया, कॉलेज में अच्छे परसेंटेज भी लाए, ठीक है। तो और एक पर्सन 10th तक ही पढ़ा। तो आप मुझे बताइए कौन सा पर्सन ज़्यादा बेटर होगा, जो जो आगे चल के और रिसोर्स बनाएगा या अच्छा डेवलपमेंट वर्क करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, कौन सा होगा, जिसने कॉलेज किया है, ठीक। तो जिसने सिर्फ 10th तक की पढ़ाई की है या जिसने कॉलेज तक की पढ़ाई, दोनों में से बेटर रिसोर्स कौन है, जिसने कॉलेज तक की पढ़ाई की, जिसने अच्छा जॉब लिया है ना। तो ये होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स तो होता है, हर ह्यूमन का कुछ ना कुछ काम है, अच्छा काम फायदा पहुंचा सकता है, बट जो ज़्यादा फायदा पहुंचा सके, ह्यूमंस को हम ऐसे डेवलप करें कि हम ज़्यादा फायदा पहुंचा सके। जैसे हम बचपन में जन्म लेते हैं, जैसे हम पैदा होते हैं, क्या हमारा माइंड उस समय का और अभी का माइंड सेम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, हमारे टीचर्स हमें पढ़ाया, हमारा डेवलपमेंट किया, हमारे अंदर जो गुण थे, हमारे अंदर जो स्किल्स थी, उनको और डेवलप किया और अच्छा किया। जैसे हमें बोलना नहीं आता था, मम्मी ने बोलना सिखा दिया, खाना नहीं आता था वो सिखाया गया, रोना से नहीं, रोना तो पहले से आता था, है ना। तो बहुत सारी स्किल्स हमें सिखाई गई, तो इससे हम क्या हो गए, डेवलप हो गए और हम अच्छा काम कर सकते थे, ठीक। तो इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करना है, हमें ह्यूमंस को काम सिखाना है। जैसे मान लीजिए किसी ह्यूमन को हमने वो बांस से बास्केट बनाना सिखा दिया, तो अब क्या करेगा, बांस से बांस को काटेगा, उसको पीसेस करेगा, बाल्टी बनाएगा और बेचेगा, तो रिसोर्स उसने इस्तेमाल करने लायक चीज़ बना दी। ये कब किया उसने, जब हमने उसको स्किल सिखाया, जब हमने उसको बांस बनाना सिखाया, ठीक है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, तो आगे चल के आपको इसका नॉलेज आ जाएगा, आप ये किसी और को सिखा सकते हो या फिर कम से कम एग्जाम में आप इसको लिख सकते हो, है ना, समझ में आ गया। तो आपके अंदर क्या हो गया, स्किल डेवलप कर दी। पहले हमको हमारे टीचर ने पढ़ाया, फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी ह्यूमन, हम भी ह्यूमन, तो हम लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोला गया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक। तब सवाल ये आता, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हमारे मन में तो आ रहा है, आपका पता नहीं। तो ये जो सवाल हमारे मन में आ रहा है कि ह्यूमंस को डेवलप करने की ज़रूरत क्या है, जैसे हैं वैसे के वैसे रहने दिया जाए, क्या ज़रूरत है इतना सारा डेवलपमेंट की, क्या ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई करने का, इतना स्किल सीखने का ज़रूरत क्या है? तो चलिए ज़रूरत बताते हैं आप, है ना। देखिए, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अगर हम कोई स्किल नहीं सीखेंगे, अगर मान लीजिए हमें भूख लगी है लेकिन खाना बनाना नहीं आता, तो हम भूखे रह जाएंगे। अगर हमारे पास गेहूं है, हमारे पास चावल है, लेकिन चावल हमारे पास 1 kg है और उसको हमेशा यूज़ करना है, तो वो तो 1 kg हमेशा यूज़ हो सकता है क्या? नहीं। पर अगर हमारे पास स्किल हो कि उस चावल को खेत में लगा के उसकी बुआई कर दी जाए, सो कर दे उस सीड को, और उस एक सीड से प्लांट बन जाए, उसमें से ढेर सारे सीड हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, साल भर उस चावल को चला सकते हैं, यानी और बना सकते हैं उस रिसोर्स को और बढ़ा सकते हैं रिसोर्स को। तो बिल्कुल हाँ, यही किया जाता है, इसीलिए रिसोर्स डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हम वही करते हैं ना, अनाज के लिए किसान जो है क्या करता है, एक सीड लगाता है, उस एक सीड से एक प्लांट निकलता है, उसमें ढेर सारे सीड आ जाते हैं। तो ये कब होता है ना, उस किसान को स्किल है, उसके पास प्लांट उगाने की, खेती करने की, क्रॉप प्रोडक्शन करने की, एग्रीकल्चर करने की स्किल है। इसीलिए ह्यूमन को स्किल की जरूरत है, ताकि वो क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, है ना। इसलिए हमको जरूरत है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत है। और एक बात आपके मन में अच्छे से डाल लीजिए कि रिसोर्स जो है हमारा फायदा पहुंचाते हैं, और जो भी चीज़ हमारा फायदा पहुंचाती है उसको बचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं? ऑब्वियसली बचाते हैं भाई, क्योंकि हमारे लिए यूजफुल है ना, काम आने वाले फ्यूचर में, तो उसको तो बचाना ही पड़ेगा। तो रिसोर्स क्या है, हमारे लिए यूजफुल है, इसलिए हम उसका डेवलपमेंट करते हैं। अब कैसे करते हैं डेवलपमेंट, तो उसका डेवलपमेंट होगा किससे, स्किल से। कोई ना कोई गुण सिखा के उसको हम मॉडिफाई करेंगे ना, मॉडिफाई करेंगे तब जाके उससे सीखेंगे और तब हमारे ज़्यादा काम आएगा। छोटा सा एग्जांपल और देते हैं, पुराने जमाने में आपने देखी होगी बाइक आती थी, वो स्कूटी आती थी, हीरो पुच, हीरो लूना बोलते थे, फटफटी जिसको आप बोलते हो, है ना, ना वो स्पीड चलती थी, खूब आवाज़ करती थी फटफट, और पूरा धुआं छोड़ती थी, पॉल्यूशन ही करती थी, स्पीड भी नहीं चलती थी, पतली सी थी, उस पर बैठ भी नहीं सकते थे ज़्यादा लोग,
है ना, अगर हमें स्किल नहीं होता, हमें बाइक बनानी नहीं आती थी किसी ह्यूमन को, इंजीनियर को, तो क्या वो बाइक आज की स्पोर्ट्स कार पल्सर जैसी बाइक से मैनेज कर पाते, उससे कॉम्पीट कर पाते? बिल्कुल नहीं। यानी उस हीरो लूना पे पुछ पे बैठ के हम गांव भर घूम पाते क्या? नहीं कर सकते थे, है ना। तो हमारे पास स्किल था, इसलिए हमने उस बाइक को मॉडिफाई करके क्या किया, एक बड़ा रिसोर्स बनाया, अच्छा रिसोर्स, पल्सर बनाई, है ना, पल्सर बाइक जैसी स्पोर्ट्स बाइक बना ली हमने। तो हमने मॉडिफाई किया, हमारा काम और आसान हो गया, हम उसको और इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों रिसोर्स का डेवलपमेंट जरूरी है। चलिए हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, बचाना, कंजर्व करना, किसका? रिसोर्सेस का। हम जानते हैं रिसोर्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चीज को बचाना है। तो हम बचाएंगे कैसे? देखिए, आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से ज्यादा अच्छा है कि बचाव कर लिया जाए। यानी रिसोर्सेज को खराब होने से रोक दिया जाए तो कंजर्वेशन हो जाएगा। यानी रिसोर्स नया बनाने से अच्छा है कि जो आपके पास रिसोर्स है ना उसको खराब ही मत होने दो, तो नया बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की डेफिनेशन कैसे देते हैं कि प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सप्लोटेशन। प्रिवेंशन का मतलब बचाव, किससे बचाव करना है? खराब होने से बचाना है। प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सप्लोटेशन इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लोटेशन से प्रिजर्वेशन करना ही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। सिंपल भाषा में एक लाइन में डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सप्लोटेशन इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सवाल आता है हम कैसे करेंगे इसका कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन करने का सबसे पहला मेथड यही है कि डू नॉट वेस्ट, है ना, डू नॉट वेस्ट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को वेस्ट मत कीजिए, है ना, जितनी जरूरत उतना इस्तेमाल कीजिए। भाई एक ग्लास पानी पीना है आपको या हाफ ग्लास की प्यास है तो हाफ ही ग्लास वाटर लीजिए ना, ड्रिंकिंग वाटर ग्लास में आप पियेंगे, आधा जूठा फिर आप फेंक देंगे, नहीं, वो नहीं करना है, वेस्टेज नहीं करना है। दूसरा, कम यूज कीजिए ना, रिड्यूस कंजम्पशन, कम इस्तेमाल कीजिए, रिड्यूस कंजम्पशन। जैसे कि पेट्रोल डीजल हो गया, जहाँ पैदल जा सकते हैं वहाँ पैदल जाइए, बाइक लेकर मत जाइए, पेट्रोल डीजल बचेगा, रिसोर्स और पैसे खरीदना पड़ता है, जमीन से खोद के निकालते हैं, मेहनत से बनता है वो, है ना, तो उसको भी क्या कीजिए, कम इस्तेमाल कीजिए। कम इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बचा रहेगा। आप पैसे का एग्जांपल लीजिए, आप ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे आपके पैसे जल्दी खत्म होंगे, आप कम कम खर्च करेंगे आपके पैसे लेट खत्म होंगे। तो आपको अगर पैसे बचाने हैं तो कम कम खर्च कीजिए, सिंपल सी बात है। और तीसरा कि ऑप्शन ढूंढिए आप रिसोर्सेज के, ऑप्शंस ढूंढिए। ऑप्शंस कैसे ढूंढेंगे? हमारे घर में जो मेटल की थाली होती है, ठीक है, हम मेटल की थाली इस्तेमाल करते हैं, मेटल जमीन से निकलता है और मेटल जो है वो जल्दी बनता नहीं, बहुत लाखों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी वो लिमिटेड रिसोर्स है, खत्म हो जाएंगे एक दिन। लेकिन हम प्लास्टिक के यूटेंसिल्स यूज करें तो प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक का ग्लास इस्तेमाल करें तो क्या होगा, वो खराब भी नहीं होगा, और मान लीजिए खराब हुआ भी तो उस प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं ना, फिर से पिघला के नया ग्लास बना लेंगे, नया चीज़ बना लेंगे, है ना। तो उसके ऑप्शंस ढूंढने हैं। और आपको ऑप्शन हम बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि हम पेज का इस्तेमाल करते हैं, बुक कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जला नहीं देना है, उसको फेंक नहीं देना है, उसको क्या करना है, फिर से रिसाइकल के देना है, ताकि उसको खराब, उसको फिर से नया बनाएंगे, नया रफ कॉपी जैसा कुछ बना लेंगे, कुछ भी उस कागज़ को फिर से रिसाइकल करके नया बना लेंगे, तो हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना है हमें, ठीक। और साथ ही साथ हमें जो चौथा काम करना है वो क्या है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। रिसोर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट छोटा सा बता दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या, इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए किसी चीज़ को डेवलप करना, उसको बोलते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देख लीजिए आप, कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, कंजर्वेशन करने का तरीका क्या है, कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है इसलिए बचाना है। अब बचाएंगे कैसे, तो पहले हम रिसोर्सेज को वेस्ट ही नहीं करते हैं, बच गया, कम यूज करते हैं तब भी बच गया, उसका अब दूसरा ऑप्शन ढूंढ लीजिए तो अपने आप बच गया रिसोर्स, और तो और रिसोर्स को डेवलप कीजिए लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान मत पहुंचाइए। फैक्ट्री बनाइए, फैक्ट्री में सामान बनाइए, पर फैक्ट्री से धुआं ज़्यादा निकलेगा तो इन्वायरमेंट को नुकसान है, ठीक है। तो ये सारे काम नहीं करेंगे या ये करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन अपने आप रिसोर्सेज का हो जाए। तो चलिए हम पढ़ते हमारा लास्ट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर सिंपल और आसान भाषा में कहा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय कीपिंग नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट विच टुक प्लेस विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। यानी इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए जो आप डेवलपमेंट करते हैं उसी डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट कीजिए लेकिन फ्यूचर की जनरेशन की जरूरत को भी ध्यान में रखिए। कैसे, हम आपको बताते हैं, अगर आपको किसी जगह पर बड़ा सा मॉल खोलना है, बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, तो आपको वहाँ आसपास के जो पेड़ पौधे होंगे उन्हें काटना पड़ेगा, तो इन्वायरमेंट का क्या हो गया, नुकसान। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है,
आपने घर बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, अपना यूज़ कर रहे हो, तो आप समझ रहे हो कि आपने डेवलपमेंट कर दिया। नहीं, आपने सिर्फ डेवलपमेंट किया, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें डेवलपमेंट किया जाता है, रिसोर्स बचाए जाते हैं, अपना यूज़ किया जाता है, फायदा उठाया जाता है, लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या रूल है कि हमेशा एनवायरमेंट को कंजर्व करो, ठीक। दूसरा, जो एनिमल्स हैं उनको हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। तीसरा, जितने भी लाइफ फॉर्म है अर्थ पे उन सबकी केयर करो। ऐसा नहीं कि हम ह्यूमंस हैं तो सिर्फ ह्यूमंस की लाइफ को बचाते हैं, कुत्ते बिल्ली का मर्डर करते चल रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी भी अर्थ पे लाइफ फॉर्म है सबको बचाना है। आप सुनते भी होंगे सेव टाइगर, सेव लायन, है ना, वाइल्ड एनिमल को बचाओ, सेव ट्री, सुनते हैं ना। तो इस सारे लाइफ फॉर्म को बचाना क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी को क्या बोला गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप नीचे डाउट्स जो भी है वो कमेंट में लिख के भेजिए, हम आपको जवाब देंगे, डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि नेक्स्ट किस चैप्टर का वीडियो मैं बना सकता हूँ। तो देखते रहिए, लाइक कीजिए इसको, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।